हेलो दोस्तों, प्रणाम नमस्कार। मैं आपका भाई कुंदन सिंह सितारी बिहार से, और मैं कर रहा हूँ संपूर्ण भारत यात्रा। आज मेरा यात्रा करते हुए हो चुका है एक मंथ, और देख सकते हैं अभी मैं हूँ कहाँ, तो MP मध्य प्रदेश, और जबलपुर ज़िला है, और यहाँ अभी भेड़ाघाट, और यहाँ से निकल रहे हैं वाटरफॉल देखने के बाद उज्जैन महाकालेश्वर भोपाल के लिए, जिसकी दूरी 330 किलोमीटर है। तो दो दिन लग जाएगा जाने में, अभी फ़िलहाल 2 बज रहा है अभी, लेकिन यहाँ से निकलना ज़रूरी था क्योंकि यहाँ ना नेटवर्क है ना लाइट है, तो थोड़ा दिक्कतें हैं। तो कल रात को तो बारिश आ गया, तो कैसे कैसे काटे यहाँ पर रात, और यहाँ से फिर अभी भी बारिश का टाइम है, लेकिन निकलना पड़ा है जय माता दी। और यहाँ से निकलने के बाद यहाँ कुछ खरीद लूँ क्या बिस्किट, यहाँ से निकलने के बाद एक दो बूंदे बारिश का पड़ने लगा। भगवान जी प्लीज़ 1 घंटा बारिश ना करवाएं तो अच्छा रहे, नहीं तो फिर कहीं हमको रुकना पड़ेगा, खड़ा होकर छिपना पड़ेगा। कल ही मैं निकल जाता यहाँ से, लेकिन नहीं निकला क्योंकि यहाँ पे एक वो जो जिस आश्रम में थे तो वो हमको फ्री का आश्रम मिल गया रहने के लिए, तो मैं उस आश्रम में रुक गया। और यहाँ से हमको रास्ता 2 किलोमीटर लेफ्ट होता है, तो 2 किलोमीटर लेफ्ट स्ट्रेट चलते हैं। और ये पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाका में बारिश तुरंत कब होता है कब रुक जाता है कोई ठीक नहीं है। ये देख सकते हैं कितना बारिश लगा हुआ है, लेकिन मौसम ठीक है। और ये मेरा GoPro भी वाटरप्रूफ अब खड़ा हो चुका है क्योंकि इसका बटन ख़राब हो गया है। और आप लोग अगर ये इस देख रहे हैं वो वीडियो, ऐसा कोई आदमी जो GoPro खरीदने के लिए सोच रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा काम नहीं करिएगा। GoPro कभी नहीं लेने का सोचिएगा, GoPro बकवास है, खराब है। मतलब कोई व्यू अच्छा लाता है, वीडियो अच्छा करके देता है, लेकिन भाई हैंग करता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद सब 1 महीने में इसका हालत का पचरा बन गया। मैं 1 महीना मेरा भारत यात्रा करते हो चुका है और इसका 1 महीना में पचरा बन गया। तो आप लोग को अच्छा लगे तो ले सकते हैं, नहीं है मेरी बात सहमत हो तो नहीं लोगे। बाकी हम आप यहाँ से निकल गए हैं, तो अब यहाँ से लगभग हमको दूरी तय करना है, लगभग कितना किलोमीटर, तो 330 किलोमीटर, तो बहुत टाइम लग जाएगा। और ये पहाड़ में अभी देख सकते हैं यहाँ से तो कोई रास्ता भी नहीं होगा, मतलब कोई रूम वूम भी नहीं है कहीं पर छिपने के लिए, और बारिश आ जाता है तो कितना दिक्कत होता है। इसके लिए थोड़ा जल्दी चलाना पड़ेगा, स्पीड तो ही गाड़ी को भगा भी नहीं सकते, मेरे गाड़ी को सामान पूरा लदा हुआ है तो कैसे भगाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, धीरे धीरे लेकर हम चलते हैं हम आपको भोपाल। और कहीं एक जगह मिल जाएगा रुकने के लिए तो अच्छी बात है, फ्री का लाइन होटल का इंतज़ार करते हैं कि कहीं लाइन होटल अच्छा मिल जाए तो वहाँ रुक जाते हैं, नहीं तो गुरुद्वारा मिल जाता तो और मज़ा आ जाता है। और मैंने अभी तक जितना भी जगह पर रुका उसमें सबसे ज़्यादा लिस्ट आएगा तो गुरुद्वारा का आएगा। मैं भारत यात्रा करते हुए 1 मंथ हो गया, और मैं 1 मंथ में लगभग 80% गुरुद्वारा रुका हूँ बस। और ये MP है, पूरा पहाड़ी इलाका है ये। और ये जिस जगह को मैं देखने गया था, वो जगह का नाम था धुआंधार। सब चीज़ वहाँ धुआंधार के नाम से बिकता है, धुआंधार प्रसाद वाला, धुआंधार मूंगफली वाला, धुआंधार पानी वाला, धुआंधार वाटरफॉल नाम है जगह का। और धुआंधार वाटरफॉल में अभी इतना बाढ़ आ गया हुआ है कि पूरा डूब गया हुआ है, तो कुछ पता नहीं चला हमको, और ऐसे ही निकल गए हैं। देखे हैं, इंजॉय किए हैं, मेरा वीडियो अपलोड किया हुआ है, और ये वीडियो देख रहे हैं वो नहीं देखे हैं, तो आप जाके देखिएगा, अच्छा लगता है वाटरफॉल देखने में। और जब बारिश के मौसम ख़त्म हो जाए, अक्टूबर में आप आइएगा तो उस समय नज़ारा बहुत मस्त रहता है। तो आप लोग अक्टूबर नवंबर में आइए, जनवरी में आइए, फरवरी मार्च तक, अप्रैल तक आ सकते हैं, मई तक भी आ सकते हैं। जून में पूरा दिक्कत हो जाता है, जून के बाद 15 जून से ये बंद हो जाता है, सीधा अक्टूबर में ऑन हो जाता है, ये चालू होता है।